how to crack your NEET 2025 देखो बेटा डायरेक्टली पॉइंट पे आऊंगी NEET 2024 में जो भी हुआ था उसके बाद में दे आर प्लानिंग दैट दे विल कंडक्ट योर NEET एग्जामिनेशन इन टू पार्ट्स इट इज नॉट येट कंफर्मड जैसे ही कंफर्म होता है आई एम देयर टू टेल यू गाइस आई विल डेफिनेटली अपडेट यू गाइस ठीक है तो हमें यह ध्यान में रखते हुए पढ़ना आएगी पार्ट टू पार्ट्स में अगर आपका नियर 2025 होगा तो हमें बहुत जल्दी सिलेबस खत्म करना होगा जल्दी जल्दी तैयारी करनी होगी एंड बहुत जोर से तैयारी करनी है ठीक है तो बहुत अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि हमारे पास अभी टाइम नहीं होगा क्योंकि देखो अज्यूम करो अगर आपका यूजली आपका एग्जाम मे में होता है अगर टू पार्ट में हुआ तो मे से पहले पार्ट वन कंडक्ट कर दिया जाएगा तो आपके पास में उतना टाइम नहीं है हमें टू पार्ट में रख सकते हैं ये सोच के ही अपनी तैयारी करना है तो जो भी प्लानर में आपको बता रही हूँ ना ये प्लानर अगर आप अभी से फॉलो करोगे ट्रस्ट मी आई प्रॉमिस यू आप बहुत ज्यादा इंप्रूव करोगे जो आप 2024 में आप कर रहे थे ना, 2024, 2025 में आप कोप अप कर लोगे। यू विल क्रैक नीट बट जो जो भी मैं बता रही हूं आपको फॉलो करना पड़ेगा ठीक है देखो बेटा ये सारी चीजों को ना मैं तीन पार्ट में डिवाइड करती हूं पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री एक सेकेंड राइट पार्ट वन पार्ट टू एंड पार्ट थ्री अब पार्ट वन ये ऐसा टाइम पीरियड है जब बच्चे ने डिसाइड किया कि वो लॉन्ग टर्म करेगा या एमबीबीएस की तैयारी करेगा ठीक है तो ये वाला जो पार्ट है ना स्टार्टिंग लाइक फर्स्ट टू टू थ्री मंथ्स जब आपने डिसाइड किया होगा कि लॉन्ग टर्म करना है फिर से आपको प्रिपरेशन करना है तो उस टाइम पर ना आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हो आप सारी चीजें खुद से कर लेते हो बट उसके बाद में लाइक आफ्टर टू टू थ्री मंथ्स जो मिड फेज आता है ना उस टाइम पे होता यह है कि आप डिस्ट्रेक्शन बहुत सारी डिस्ट्रेक्शन होती है तो आपका दिमाग ना डाइवर्ट हो जाता है या तो नेटफ्लिक्स सीरीज ये सीरीज वो सीरीज या तो फिर गेम्स खेलना शुरू कर दोगे लाइक पबजी फ्री फायर एंड ऑल तो इसकी आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा या फिर ओवर थिंकिंग करने लग जाओगे कि ये बार भी होगा नहीं होगा या फिर फ्रेंड सर्कल में अगर आपके किसी फ्रेंड को एमबीबीएस क्रैक हुआ है तो उसके बारे में सोचोगे अपने आप को कंपेयर करोगे दोस्तों से मिलने जाओगे बहुत सारा दिमाग खराब करोगे लाइक बेसिकली वॉट आई मीन टू टेल यू ओवर थिंक अ लॉट ड्यू टू विच यू वोट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क तो ये जो

थोड़ा मुश्किल हो जाता है ठीक है तो इसीलिए स्टार्टिंग के जो दो तीन महीने वही पेस मेंटेन रखना है इन द नेक्स्ट कमिंग फ्यू मंथ्स एज वेल ठीक है तो स्टार्टिंग के जो 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 बीच का जो मंथ है ना जो बीच के फ्यू मंथ्स होते हैं ना वहां पे अगर आप ग्रो भी नहीं करते अगर आपका ग्राफ ऊपर भी नहीं जा रहा है अगर आप ऐसे स्टेशनरी फेस में चल रहे हो आई प्रोमिस यू योर टीचर्स आर डेफिनेटली गोन अप बिकॉज हम टीचर्स का यही काम होता है स्टार्टिंग के फेजिस में ना स्टार्टिंग का जो फर्स्ट दो, दो से दो से तीन महीने होता है ना बच्चे को बच्चा खुद खुद पढ़ता है बहुत एनर्जेटिक होता है बट हम टीचर्स क्या करते हैं पता है लाइक like मैं तो यही करती हूँ जैसे ही दो तीन महीने चले जाते हैं जो बच्चा बहुत केपेबल है मैं उसके पीछे लग जाती हूँ तो आपके टीचर्स भी आपको ऐसे ही पुल करेंगे योर टीचर्स विल ट्राई टू पुल यू अप एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स यू विल डेफिनेटली क्रैक योर नीट एग्जामिनेशन अगर आप ये सोच के बेटे हो यार खुद कर लूंगा टीचर की हेल्प नहीं है ये नहीं बोल ऐसा नहीं चलता बेटा बिकॉज जो जो एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना उसको आप अकेले नहीं कर सकते यू नीड हेल्प यू नीड योर टीचर्स टू हेल्प यू टू गाइड यू इन एवरी स्टेप आप कहाँ गलती कर रहे हो टाइम टेबल कैसे होना चाहिए क्या करना होगा डे वाइज प्लानर क्या होना चाहिए आप टीचर के बगैर ये नहीं कर पाओगे ठीक है तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो मिड फेस है जो पार्ट टू मैंने मार्क करा है यहां पर अपने आपको गिरने नहीं देना चाहे आप ग्रो ना करो बट गिरना नहीं आपके टीचर्स आपको पुल कर लेंगे ठीक है तो आपको होपफुली समझ आ गया होगा कि कैसे एक बच्चे का दिमाग चलता है ठीक है अब आपको क्या करना है जितनी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसको पहले समझो रैंडमली ना देखो अगर आपको तीरना नहीं आएगा पानी में कूदोगे हो क्या होगा है ना तो आपको पहले स्विमिंग सीखना पड़ेगा तो वही मैं बता रही हूँ जैसे आप नीट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हो तो कुछ बेसिक चीज़ें होती है सिलेबस को लेके कौन सी बुक पढ़ना है टेस्ट क्या है तो ये चीज़ों में अपना ग्रिप अच्छे से स्ट्रांग रखो ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि प्रिपरेशन कैसी और किस डिरेक्शन में जाना है ठीक है देखो सिलेबस सिलेबस की बात पहले करेंगे आपका नीट का सिलेबस तो आपको फॉलो करना पड़ेगा बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है मैं बायोलॉजी की बात करूंगी आपका जो नीट का अपडेटेड सिलेबस है और जो एनसीआरटी लेटेस्ट एनसीआरटी आई मीन अपडेटेड एनसीआरटी है ना वो सिंक में नहीं है बिकॉज दे आर सर्टेन टॉपिक्स विच आर नॉट देयर इन योर एनसीआरटी मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल दूंगी आपको जो मॉरफोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में न्यू फैमिलीज ऐड हुए हैं ना लाइक मालवेसी एंड ऑल ये फैमिलीज आपकी न्यू एन में नहीं है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि थोड़ा कंटेंट आपको आउट ऑफ एनसीआरटी पढ़ना ही पड़ेगा अब ये कहां से पढ़ोगे ये आपको आपकी क्लास टीचर पढ़ाएगी अगर आप इंस्टीट्यूट नहीं जा रहे हो ऑनलाइन किसी टीचर को फॉलो कर लो जो ये सारी चीजें पे वीडियो अपलोड करती है तो वहां से पढ़ो बट टेक गाइडेंस इज वॉट मीन टू टेल घर पे बैठ के ये मत एटीट्यूड में रहना कि आप खुद से कर लोगे ठीक है बार बार ये बोल रही हूँ बिकॉज मैंने देखा है बेटा मैंने अपने जो तो जितने भी साल मैंने इन्वेस्ट किए हैं है नीट एजुकेशन ये फील्ड में मैंने देखा है बच्चों को ना जो बच्चे को अच्छे मार्क्स आते न, होके सीड़ हैं ना वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर सीट गवा लेता है ठीक है जो बच्चों को जो बच्चे बार बार टीचर के पीछे होते हैं ना गाइडेंस लेते रहते हैं जो बच्चे टीचर की हेल्प लेते हैं वो शायद इंस्टीट्यूट में ना कर सके स्टार्टिंग के फ्यू फ्यू मंथ्स में बट अगर वो टीचर के साथ साथ रहे वो जो बोले वो सुने वो गाइडेंस फॉलो करे ऐसे बच्चे नीट क्रैक कर लेते हैं बिकॉज टीचर उनको टीचर का एक्सपीरियंस होता है यार एनी हाउ तो वो बोलती है आपको क्या करना है कब करना है कैसे करना है इसलिए बार बार बोल रही ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है खुद से नहीं होगा आई मीन खुद से तो होगा बट ऑलवेज यू नीड अ गाइडेंस ठीक है राइट अब यहाँ पे अपने सिलेबस कब तक कम्प्लीट करना है आपको कोशिश करना है कि दिसंबर और जनवरी तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें रीजन बींग जैसे मैंने बोला कि अगर नीट ट्वेंटी टू पार्ट्स में चलता है है ना तो आपका एग्जाम से पहले एक पार्ट में होगा वो कब होगा हमें भी नहीं पता। कभी भी हो सकता जनवरी मंथ ठीक है so, सिलेबस तो कंप्लीट कर देना है जस्ट बिकॉज नीट अगर टू फेसेस में हो क्या पता नहीं ये, ये इसका सोल्यूशन कोई आपको टीचर नहीं बता सकती वो एंड में जब एन रिलीज करेगा कि दो पार्ट में होगा नहीं होगा हमें भी पता लगेगा तो इसीलिए आपकी प्रिपरेशन आप उसी चीज को दिमाग में रखते हुए करना Next, कौनसी -कौनसी करना ठीक है है नेक्स्ट आपको कौन कौन सी सी बुक्स फॉलो फर्स्टली देखो यहां पे बच्चे बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं क्या करते हैं ना पढ़ना कम और बुक्स में इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर देते हैं जैसे कि उनको हर मटेरियल चाहिए एक्स वाई जी हर मटेरियल चाहिए बट एक भी मटेरियल ना वो थरोली सॉल्व नहीं करते अगर ऐसा चलेगा तो कैसा आई मीन यू जस्ट इमेजिन यू आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इन गेटिंग सो मेनी बुक्स एंड यूर नॉट इवन रीडिंग वन बुक थरली हाउ डज इट इवन मेक सेंस तो इसीलिए आपको बेसिक से बुक चाहिए आपको ज्यादा सर फोड़ने की जरूरत नहीं है आपको बेसिक से बुक चाहिए दैट इज एनसीआरटी वो तो पढ़ना ही पड़ेगा एनसीआर बेटा बायोलॉजी के लिए ना ओल्ड एडिशन साथ में रखना ओल्ड एडिशन के साथ साथ न्यू एडिशन तो चाहिए ही चाहिए रीजन बताती हूँ जो जो 2024 का जो कंट्रोवर्सी चल रहा था तो इट वाज क्लियरली टोल्ड के ये न्यू एनसीआर को ही फॉलो किया जाएगा तो एनसीआर टी हम एज अ रेफरेंस यूज करेंगे न्यू एनसीआरटी में क्या क्या चेंजेस है उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे तो दो बायोलॉजी के एडिशन दो बायोलॉजी एनसीआर आप रखना ओल्ड एंड न्यू एडिशन ठीक है अब प्रीवियस ईयर बुक आपको चाहिए आप कितने भी एमसी सॉल्व uh, कर लो कितने भी मटेरियल सॉल्व कर लो अगर आप पी वाई क्यू सोल्व नहीं करोगे इट्स वेस्ट ऑफ टाइम ट्रस्ट मी इट्स वेस्ट ऑफ टाइम आपको जब पता ही नहीं है कि क्वेश्चन कैसे आएगा कहाँ से कैसे पार, किस पार्ट से किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप कैसे प्रिपरेशन करोगे जो चैप्टर में से कभी कभी क्वेश्चन नहीं आता है क्या वो चैप्टर को आप चार पांच दिन दोगे या ऐसे चैप्टर में जि जिसमें से छः सात क्वेश्चन आ सकते हैं वो चैप्टर को आप यू नो वन वीक टाइम दोगे ये कैसे पता लगेगा जब तक आप पी वाई के नहीं करते आपको ये आप चीज आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है और वैसे भी आपके टीचर्स भी बोलेंगे मैं भी बोलूंगी बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि किस चैप्टर से किस पार्ट से कैसे क्वेश्चन आते हैं कौन सा पैराग्राफ एनसीआर का इंपॉर्टेंट होता है ये सब एनालिसिस आप सिर्फ पी वाई के और टेस्ट से ही कर पाओगे ठीक है नेक्स्ट बायो बयोहैक एक ऐसी बुक है बेटा जो मुझे बहुत अच्छी लगती है इसमें फिल इन द ब्लैंक टाइप के जो बिट होते हैं ना वो एनसीआर टी की लाइन हैं. तो इससे क्या होता है एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आप थरो हो जाते हो सो वन बुक दैट आई वुड सजेस्ट इज बायो है और पीवाई की आप कौन सी भी ले सकती हो बट द वन वुड दैट आई वुड सजेस्ट इज दिशा मुझे जो दिशा दिशा पब्लिकेशंस में जो सेग्रीगेटेड पार्ट्स होते हैं ना कि एक चैप्टर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे वो मुझे अच्छा लगता है तो आप दिशा पब्लिकेशंस आप खरीद सकते हो दैट आई वुड सजेस्ट ठीक है नेक्स्ट इंस्टीट्यूट के बुक्स एंड क्लास नोट्स बेटा क्लास नोट्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं आपको बता दूं एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ प्लांट किंगडम में जिम्नोस्पर्म वाला जो टॉपिक है इतना बुरा है ना अगर आप खुद से पढ़ने बैठे ना आपको एक लाइन भी सीधे से समझ नहीं आएगी इसीलिए जो टीचर आपको पढ़ाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो टीचर आपको रनिंग नोट्स देती है ना उस वो आपको कंसिडर करना पड़ता है रिफ़र करना पड़ता है क्लास नोट्स के बगैर बेटा एन को समझना इम्पॉसिबल है ठीक है इंस्टीट्यूट बुक्स ही चाहिए इंस्टीट्यूट बुक्स एज इन जो भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो या फिर आपने पहले पढ़ाई करी है तो वो इंस्टीट्यूट आपको बुक्स प्रोवाइड करता है काफी है यार वो books. वो बुक्स बुक्स सोल्व करो पीवा पीवाई क्यू सॉल्व कर लो दिशा जो भी मैंने बोला है एंड बायोहैक सॉल्व कर लो मोर देन इनफ ओके आपको लिमिटेड बुक सॉल्व करना है थर्ली करना है ना कि हजार बुक आप इकट्ठे कर लो और एक भी अच्छे से ना कर पाओ ठीक है नाउ नेक्स्ट इज टेस्ट बेटा टेस्ट कभी भी मिस ना करना नेवर एवर थिंक ऑफ मिसिंग द टेस्ट are prepared और नॉट प्रिपेयर इससे क्या होगा आप चाहे प्रिपेयर ना भी हो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर विदाउट प्रिपरेशन आप ये चैप्टर में टेस्ट देते हो तो कितना आप स्कोर कर पाओगे ठीक है बस आपको एक एनालिसिस मिलेगा कि कैसे आपकी प्रिपरेशन कितना आप थरो हो वो स्पेसिफिक चैप्टर में कभी भी टेस्ट बेटा मिस नहीं करना एंड सेकेंडली बेटा ये तो मैं बोलूंगी पूरे गेम का राजा है पेपर एनालिसिस अगर आप टेस्ट दे रहे हो आप पेपर एनालिसिस नहीं कर रहे हो कुछ फायदा हुआ टेस्ट देने का जस्ट जस्ट थिंक एंड टेन कुछ हुआ फायदा टेस्ट देने का अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने पेपर में कहाँ पे आप गलती कर रहे हो किस चैप्टर के किस टॉपिक में आपसे गलती हो रही है तो आप वो कैसे इंप्रोवाइज करोगे समझ आ रहा है आपको देखो अगर आपको पता है कि चूल्हे पे हाथ रखने से आपका हाथ जलता है तो आप नहीं रखोगे ये आपको कैसे पता लगा आप, आपको कभी ना कभी तो चुरका लगा होगा तभी जाके आपको एक आइडिया हुआ कि हाँ इसको लगने इसको इस पे हाथ रखने से चुरका लगता है तो यू यू जस्ट डोंट कीप इट नेक्स्ट टाइम यू बी केयरफुल जस्ट द सेम थिंग आप टेस्ट दे रहे हो बट टेस्ट में कहाँ गलती कर रहे हो आपको पता ही नहीं लग रहा तो फिर टेस्ट दे फायदा ही क्या है तो पेपर एनालिसिस करना ही है आफ्टर एवरी टेस्ट ओके और आपको ये जितने भी आप टेस्ट देते हो ना कोशिश करना के एनसीईआरटी के एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट हो क्योंकि कुछ कुछ इंस्टीट्यूट में ना टेस्ट होते हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी मतलब एक्स्ट्रा कंटेंट होता है तो एज अ लॉन्ग टर्म स्टूडेंट मैं वो सजेस्ट नहीं करती बस आप एनसीईआरटी पढ़ के जाओ दैट्स मोर देन ओके नेक्स्ट इंस्टीट्यूट का जो टेस्ट सिलेबस है अब देखो यार टेस्ट तो आपको देना है बट ना बच्चे बहुत कंफ्यूजन कंफ्यूजन स्टेट में होते हैं कि यार इंस्टीट्यूट के टेस्ट को कैसे हैंडल करें ये भी आपको मैं समझाती हूँ देखो पहले आपका इंस्टीट्यूट का टेस्ट सिलेबस आपको दिया जाएगा तो वो टेस्ट सिलेबस को आप डे वाइज डिवाइड कर लो लाइक अगर टेस्ट होने में वन वीक टाइम है अज्यूम करो कि आपका टेस्ट ना संडे को है आपका टेस्ट संडे को है तो बीच में मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे ये आपने डिवाइड कर लिया मंडे टू तो फ्राइडे आप अपना टेस्ट सिलेबस डिवाइड करोगे लाइक एग्जांपल अगर बॉटनी पढ़ रहे हो प्लांट किंगडम चैप्टर है तो एक दिन एलगे पढ़ोगे एक दिन टेरिडो एक दिन ब्रायो ऐसा आप अपना कंटेंट डिवाइड कर लोगे अकॉर्डिंगली ठीक है अब सैटरडे वाले दिन बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन ही करना है ओके okay? जितना भी आपने शुरू से एंड तक पढ़ा है ना आपको रिवाइज करना है मंडे वाले अब फॉर एग्जांपल मंडे आप एलगे पढ़ रहे हो तो एलगे पढ़ना एक घंटा थर्टी मिनट्स आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है सिमिलरली ब्रयो पढ़ रहे हो तो ब्रयो पढ़ना उसके बाद ब्रयो ब्रयो के एमसीक्यू सॉल्व करना विदाउट विदाउट एमसीक्यू भी अगर आप सोच रहे हो ना कि यार कंटेंट पढ़ के हो जाएगा कुछ नहीं होगा भाई एक और साल बर्बादी होगा तो इसलिए जो भी आप पढ़ रहे हो उसका एमसीक्यू राइट इन द नेक्स्ट मोमेंट आप सॉल्व कर देना ठीक है एंड सैटरडे इज ओनली फॉर द रिविजन राइट right? रिविजन अच्छे से करना नाउ नेक्स्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेली टास्क ठीक है देखो बेटा आपको मैं एक चीज एक बात बताती हूं अगर आप जो भी इंस्टीट्यूट को जा रहे हो ठीक है अब वहाँ पे टाइम टेबल सीधा नहीं है कभी दिन फिज़िक्स टीचर आ रहा है कभी कभी दिन बॉटनी टीचर आ रही है फिर कभी जोलॉजी टीचर आ रहा है कभी जोलॉजी टीचर नहीं आ रहा ऐसा रैंडमली बस चल रहा है तो आपको कुछ एंड ऑफ द डे कुछ आइडिया रहेगा कि क्या क्या सब्जेक्ट हुए हैं कौन सा टीचर आ रहा है कौन सा जा रहा है कैसे हो रहा है एट एंड ऑफ द डे में आपको ना दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन रहेगा कि ये हो क्या रहा है ठीक है आपका दिमाग जब पढ़ाई करता है ना सेम स्टेट में होता है तो आपको करना क्या है डेली प्लानर आपको बनाना है डेली चेकलिस्ट इज वॉट आई मीन लाइक फॉर एग्जाम्पल सी इफ यू आर वेकिंग आप सिक्स ए एम उठ रहे हो टेन टेन पी एम टेन पी एम को सोने जा रहे हो सिक्स ए एम टू टेन पी एम आपका सारा टाइम टेबल होना चाहिए लाइक सिक्स टू सेवन आप क्या कर रहे हो सेवन टू एट क्या कर रहे हो एट टू नाइन आप क्या कर रहे हो नाइन टू टेन ए एम आप क्या कर रहे हो टेन टू इलेवन क्या कर रहे हो वैसे आप जब तक सो नहीं जाते आपका हर घंटे का हिसाब आपके पास होना चाहिए ठीक है अब आप क्या करोगे जैसे जैसे आप सिक्स टू सेवन आपने कुछ कुछ प्लान किया कि आप बॉटनी पढ़ोगे या फिर जोलजी पढ़ोगे वॉटेवर ठीक है अब जैसा वो टारगेट आप कर कर लेते हो लाइक बॉटनी में आपने आपने लिखा प्लांट किंगडम प्लांट किंगडम से एलगे पढ़ लूंगा इतना पार्ट एलगे का हो जाएगा जैसे ही वो हो जाता है आप उसको टिक कर लो सिमिलरली सेवन टू एट में भी ब्रेकफास्ट है या फिर आप फ्रेश हो गए तो उसको भी टिक करो सिमिलरली एट टू नाइन में भी आपकी क्लास होगी तो क्लास अटेंड किया टिक कर लो नाइन टू टेन फिर आप कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे मे बी जोआलॉजी पढ़ोगे जोअलॉजी में कोई स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ोगे तो उसको भी आपने टिक कर लेना है तो मैं क्या बोल रही हूँ आप जब उठते हो शाम में जब तक सोने जाते हो यू शुड हैव अ ट्रैकर प्रॉपर ट्रैकर एंड एंड ऑफ द डे जब आप यू you नो know, सारे चीजें टिक एंड एज वेल एज क्रॉस कुछ चीजें नहीं हो पाती है तो कुछ चीजें आप क्रॉस कर लेते हो ना आपको आइडिया मिल जाता है कि ये दो चीजें छूट गई थी नाउ यू हैव टू बैलेंस दैट नेक्स्ट डे है ना और जो चीजें हो चुकी है वो जो चीजें हो गई है उसमें आपको रिविजन करना है तो आपको ऐसा क्या होगा ना एक प्रॉपर एक बन जाएगा तो इससे क्या होगा एंड ऑफ द डे यू गो टू स्लीप आप बहुत रहोगे और बहुत सुकून की नींद आती है क्योंकि आपको पता है कि आपने मेहनत करी अगर आप ये ट्रैकर नहीं बनाओगे आप सिक्स टू सेवन आपने डिसाइड किया कि आप बॉटनी पढ़ोगे और फिर आपको आधे घंटे बाद नींद आने लगी अब आप बो, आपने बॉटनी बंद कर दिया जोलॉजी ओपन कर लिया फिर दस मिनट आपने जोलॉजी पढ़ा फिर आपको नींद आई फिर आपने फिजिक्स ओपन कर लिया तो इससे क्या होगा आप मेहनत कर रहे हो बट एक प्रॉपर डिरेक्शन में मेहनत नहीं जा रही है सब आधा आधा हो रहा है एंड एंड ऑफ द डे ना आप मेहनत कर भी रहे हो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा बिकॉज देर इज नो प्रॉपर प्लानर और ट्रैकर समझ आ रहा है ना आप, आपको क्या कह रही हूं तो बेटा डेली टास्क ना बच्चे को एनालाइज करने में हेल्प करता है कि वो दिन भर क्या कर रहा है कहाँ अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा है कितना पढ़ रहा है कितना उसे छूट रहा है ताकि वो आने वाले दिन में कोप अप कर ले तो ये आपको फॉलो करना है रही बात कैसे एक इंडिविजुअल प्लानर बनाना होता है कैसे सेल्फ टाइम टेबल बनाना होता है मैं आपको आने वाली वीडियोज में अपलोड करूंगी एस ए सपरेट टॉपिक ठीक है आई होप दिस वॉज हेल्पफुल बेटा ये आप लाइटली इसको बिल्कुल मत लेना ये जो मैं अपने बच्चों बताती हूँ ना मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ए में कर रहे हैं उस्मानिया गांधी एम्स में भी कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे बहुत मेडिकल कॉलेज में मेरे कर रहे हैं अभी एम कर रहे हैं सो दैट इज वॉट जो जो उनको मैंने बोला है ना वही चीज आपको शेयर कर रही हूँ ठीक है तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारी चीजें ना ध्यान में रखते हुए अपने नीट ट्वेंटी की तैयारी करना स्टार्ट कर दो एंड ऑल द वेरी बेस्ट अगर कोई और चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए कोई टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना आई एल मेक श्योर दट आई एल मेक अ वीडियो एंड अपलोडेड एज सुन एज पॉसिबल एंड ऑल द वेरी बेस्ट बेटा बाय